वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेन्स. सो इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सेलेक्शन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ द माइक्रोब्स ऑफ द इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स. नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स देन द इंटेंट वी होप टू ऑप्टिमाइज द कंडीशंस एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट from the microbes that we are going to use. So हमारा purpose क्या रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है product का formation enable कर सकें और कम से कम हमें जो है inputs देने पड़े और process जो है हमारा highly efficient बना रहे. ठीक है. So for that purpose we need to improve the industrial strains. Now the targets for the strain improvement are that first to increase the product concentration. Now we can increase the gene dose, that is the particular gene that is responsible for that particular product formation. उस जीन का हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. ठीक है. सो द नंबर ऑफ इंसर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन कैन बी इंक्रीज्ड और वी कैन break down the gene regulation, that is catabolite depression de-repression है या metabolite resistance है, उसकी वजह से जो है हम जीन का regulation भी block कर सकते हैं. मान लीजिए कि कोई आपका ऐसा reaction है, कोई ऐसा metabolic process है जिसमें कि कोई product आपका form हो रहा है और फिर वो उसी cyclic process में metabolize भी हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है. ठीक है. तो हमारा एफर्ट ये होगा कि हम उस साइकिल को किसी तरह से एक जगह पे पॉज कर लें, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उस जगह पर हम उस साइकिल को पॉज कर लें. देन दूसरा जो टारगेट हो सकता है कि जो प्रोडक्ट की परमेबिलिटी है, जो सेल की परमेबिलिटी है प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के टाइम पर, उसको हम इम्प्रूव कर सकें. तो अगर इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, सेल के अंदर है, तो उसको किसी तरह से लीक आउट करवा देना होगा हमें, ताकि हम जब प्रोसेस में उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करें, प्रोडक्ट की रिकवरी करें या आइसोलेशन करें, तो वो बेटर मेथड से हो सके. ठीक है. देन द अनदर टारगेट कैन बी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कि हम जिस प्रोसेस से करना चाह रहे हैं, कि बैच प्रोसेस में यूज़ करना चाह रहे हैं उस माइक्रोब को, या जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर फेड बैच मेथड में लाना चाहते हैं, किस तरीके के प्रोसेस में हम उसे यूज़ करेंगे, ये जो है हमें इम्प्रूवमेंट में सोचना होगा. सो फर्स्ट जो इसका मोटिव हो सकता है कि हम ड्यूरेशन को किसी तरह से रिड्यूस कर दें. जितना टाइम हमें फर्मेंटेशन में लग रहा है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में लग रहा है, उस ड्यूरेशन को हम मिनिमाइज कर दें. ठीक है. देन सेकेंड ये हो सकता है इम्प्रूवमेंट में कि मेटा जो भी हम सबस्ट्रेट्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट्स पर माइक्रोब आपका सर्वाइव ना करें. इनएक्सपेंसिव सबस्ट्रेट्स या जो चीपली अवेलेबल, जिनको हम कह रहे हैं कि बहुत आसानी से जो मिल जाते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, ऐसे सबस्ट्रेट्स को वो यूटिलाइज़ कर सकें. देन दे डू नॉट प्रोड्यूस द अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि कुछ पिगमेंट्स या सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं कुछ माइक्रोब्स, तो वो प्रोडक्ट्स जो हो सकते हैं कि अनडिज़ायरेबल हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी या केमिकल क्वालिटी है, उसको वो हो सकता है कि चेंज कर दें. ठीक है. बिकॉज ऑफ कलर दे द सब्सटेंस द प्रोडक्ट मे नॉट बी फेवरेबल फॉर यूज़, तो उसको जो है हो सकता है कि जब आप मार्केट में लेके जाएं, कमर्शलाइज़ करना चाहें, तो उसके कलर की वजह से या किसी डाई की प्रेजेंस की वजह से वो मार्केटेबल प्रोडक्ट ना बन पाए. ठीक है. सो जो इस तरह के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं या अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं आपके विद द मेन प्रोडक्ट, उनको रिड्यूस करना है या उनको पूरी तरह से हमें हटा देना है, ताकि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए. ठीक है. देन they needs to reduce the oxygen requirement. तो हम बार बार aeration दे रहे हैं, फिर उसके बाद से aeration भी जो दे रहे हैं वो continuously होना चाहिए और sterile condition में होना चाहिए, contaminated air content नहीं होना चाहिए. so we have to maintain those sterility requirements.
ठीक है, और उन स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम जो है कोशिश ये करते हैं कि बार बार हमें जो है फर्मेंटर के अंदर ऑक्सीजन ना ऐड करनी पड़े, ठीक है। देन अनदर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस में भी इन द फॉर्म ऑफ फोमिंग, कि आपका जो एंटी फोमिंग एजेंट्स वगैरह आप ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा फोमिंग कॉज होने लगती है, उसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ घट जाता है, या फिर आपका जो टॉक्सिन्स का रिलीज़ होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू द एयर वाटर इंटरफेस, वो भी काफ़ी कुछ डिक्री कम हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पज़ आपका फोम फॉर्मेशन फर्मेंटेशन वेसल में नहीं होना चाहिए। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस मे ऑल्सो डील विद द डिक्रीजिंग ऑफ द फोम फॉर्मेशन। देन देर शुड बी टॉलरेंस टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज। सो इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट्स जिसपे कि कुछ लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन पर ही माइक्रोब सर्वाइव कर सकता है, तो उसकी जो टॉलरेंस एबिलिटी है वो इम्प्रूव कर जानी चाहिए किसी तरह से, ताकि वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके जो भी हम उसको न्यूट्रिएंट सोर्स दे रहे हैं, चाहे कार्बन का हो चाहे नाइट्रोजन का हो, उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन को वो टॉलरेट कर सके। देन अनदर थिंग इज़ दैट इज़ इट द प्रोसेस में जो भी माइक्रोब्स हम लेने जा रहे हैं वो किसी भी तरह के फेज के लिए रेजिस्टेंट होने चाहिए। दैट इज़ देर शुड बी नो काइंड ऑफ कंटेमिनेशन विद एनी अदर ऑर्गेनिज्म स्पीशीज। तो उसमें बहुत रिमार्केबल जो होते हैं आपके फेजेस होते हैं, तो उस तरह के फेजेस के लिए भी रेजिस्टेंट होना चाहिए प्रोसेस। Then another the main target is the formation of any new product. So if we are intending to produce a new kind of product, suppose किसी बैक्टीरिया में हम जो है ह्यूमन जीन को इनकॉर्पोरेट करके ह्यूमन प्रोटीन उसमें एक्सप्रेस करवाना चाह रहे हैं, तो उस तरह का जो चेंज होगा दैट विल बी न्यू फॉर द बैक्टीरियल स्पीशीज, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हम फॉर्म करवाना चाहते हों जो कि जिनका कि केमिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पहले से डिज़ायरेबल हमने फिक्स कर रखा हो कि इसी तरह का आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो उस टाइप के प्रोडक्ट के आइसोलेशन के लिए हम जो है जेनेटिक चेंजेस जो है माइक्रोब्स के अंदर करेंगे, ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट है न्यू मेटाबोलाइट वो मिल सके। देन व्हेन वी हैव द आइडेंटिफाइड द टारगेट कि कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके बाद से हमारा जो प्रोसेस होगा वो सक्सेसफुल कैसे होगा, हाउ कैन वी हैव अ सक्सेसफुल स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। सो फॉर दिस प्रोग्राम इस प्रोसेस के लिए जो है आपको जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, ठीक है, कि आपने प्रोसेस प्रोडक्शन साइकिल को बढ़ाने के लिए माइक्रोब को इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस शुरू किया है। सो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू हैव द मेथड्स दैट विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देन जो आपका पास्ट में जब ये अटेम्प्ट्स किए जाते थे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के, तो उसमें जो है म्यूटेशन और सेलेक्शन का एक साइक्लिक इवेंट लिया जाता था, रिपीटेड साइकिल्स लिए जाते थे जिसमें कि हम म्यूटेशंस इंड्यूस करते जाते थे, और साथ ही साथ जो म्यूटेंट्स हमें मिलते थे उन म्यूटेंट्स में से जो हमारे डिज़ायरेबल म्यूटेंट्स थे उनको हम सेलेक्ट करके आइसोलेट करते जाते थे। सो दोज स्ट्रैटेजीज वर बीइंग यूज। नाउ उन्हीं स्ट्रैटेजीज को जो है हम दोबारा से इम्प्रूव करके यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सटेंसिव एप्लीकेशन कर सकते हैं उनका, और उससे भी हमें जो है सक्सेसफुल स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। देन देर शुड बी जब भी हम स्ट्रेन को इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसका जो भी प्रोडक्शन लेवल है, कितना एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, उसको सारा कुछ हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू पब्लिश इट, ताकि जो और कोई उस मेथड को इम्प्रूव करना चाह रहा है या उस माइक्रोब को इम्प्रूव करना चाह रहा है उसके लिए भी वो हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। सो दैट वे वी कैन हैव बेटर प्रोसेस डिज़ाइन, वी कैन हैव अ बेटर माइक्रोबियल स्पीशीज़, एंड दैट विल लीड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्ट्रेन।
सो नाउ इस तरह का जो प्रोसेसेस को हमने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो उसमें एक एग्जांपल है कि पेनिसिलिन का जैसे लिया है कि बहुत लो यील्ड ऑफ पेनिसिलिन प्रोड्यूस होता था, लेकिन अगर हम ये स्ट्रेन्स इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स हैं, अगर हम कुछ तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नेचुरली उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा इवन इन फ्यूचर, तो बेटर यील्ड्स हमको पेनिसिलिन के मिल सकते हैं. सो दैट गिव्स यू एन इनसाइट कि किस तरह से जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इंक्रीज किया बाय द सिलेक्शन म्यूटेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर. सो वी कैन सी जो प्रोडक्टिविटी थी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, वेदर इन द केस ऑफ पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और द अदर एंटीबायोटिक्स, दैट इज़ इन द 1940s और 50s, तो उसमें जो यूनिट्स पर ml आपके प्रोडक्टिविटी मिल रही थी, दैट वॉज इंक्रीज टू थाउजेंड्स लेवल्स मल्टीपल टाइम्स, मतलब कह लीजिए कि इम्प्रूव कर गया, और हाई यील्ड जो म्यूटेंट्स थे उन्होंने ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया. ठीक है, सो वी वर एबल टू गेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स इन द लेटर ईयर्स, जब हमने स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट टेक्निक को यूटिलाइज करा है. Now the methods that we can use for strain improvement, they are we take up them in parts. So first is your in vivo mutagenesis, that is in the living organism you are trying to induce the mutations. So that can be in the form of spontaneous mutations, or they may be induced mutations. जैसे कि आप रेडिएशन के थ्रू इंड्यूस कर सकते हैं या केमिकल एजेंट्स के थ्रू इंड्यूस कर सकते हैं. सो रेडिएशंस में यू हैव द एक्स रेज, द गामा रेज और द बीटा रेज, जिनकी वजह से कि जो है म्यूटेशन इंड्यूस हो जाता है. या फिर आपके कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स वगैरह ले सकते हैं, कुछ ऐसे म्यूटाजेंस ले सकते हैं जो कि नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए को अफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल इज़ योर नाइट्रस एसिड और दी हाइड्रोक्सिल एमीन्स और दी एल्काइलेटिंग एजेंट्स, या फिर इसमें आपके जो बेस एनालॉग्स वगैरह हैं या फ्रेम शिफ्ट म्यूटाजेंस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं. दे आर ईजिली इनकॉर्पोरेटेड एंड दे कैन बी ईजिली रेप्लिकेटेड इनसाइड द डीएनए. देन देयर कैन बी ट्रांसपोजॉन इंसर्ट्स. सो इंसर्ट सीक्वेंसेस आप ले सकते हैं और उन सीक्वेंसेस को, छोटे छोटे सीक्वेंसेस जो हैं इंसर्ट सीक्वेंसेस, उनको यूटिलाइज करके भी आप म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं. देन देयर कैन बी यूज ऑफ द सुसाइड वेक्टर और द जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स हैं उनको आप किसी तरह से मैनिपुलेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए. एंड दे कैन बी यूज इन द स्ट्रैटेजीज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस, जहाँ पे डीएनए को आप चेंज करने के अटेम्प्ट कर रहे हैं. देन इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस में आप जो है रैंडम म्यूटाजेनेसिस कर सकते हैं कि कहीं पर भी रैंडमली आपका जीन, जो भी जीन सीक्वेंसेस हैं उसमें आपने म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है. ठीक है, देन देयर कैन बी डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, जहां पर कि आपने सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ही आपने जो है जीन चेंज करा है. ठीक है, दैट कैन बी आइदर बाय अ डिलीशन और बाय इंसर्जन और बाय अ पॉइंट म्यूटेशन. Then the third method is by recombination. Now here in the recombination you can utilize the methods that can be in case of fungi it can be a sexual or a parasexual cycle. इनको आप use करके recombination कर सकते हैं fungi में, या फिर आप bacteria में कर सकते हैं by transformation or by transduction and by conjugation. So bacteria में तीन strategies हो सकती हैं, transformation, transduction and conjugation. Then there can be rearrangements by the transposable genetic elements. Another strategy is your protoplast fusion, and the fifth one is your in vitro recombinant DNA techniques, जहाँ पर कि आप DNA inserts जो है ले लेते हैं, उनको आप in vitro strategies के through
जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद इन द डीएनए इटसेल्फ एंड देन दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वहाँ पर आपका जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म फिर उस डीएनए को एक्सप्रेस करेगा. Now, in case of the spontaneous mutation, now we take up all of these one by one. Now, spontaneous mutation may the rate will depend on the growth conditions. Okay, so it may be 10 power minus 10 to 10 to power minus 5 per generation and per gene. So the generation time may be usually 10 to power 7 or 10 to power 6 times. Then the all mutant types are found here. So आपको एक heterogeneous population मिलता है और फिर उस heterogeneous population में से आपको अपना desirable traits वाला microbe isolate करना पड़ेगा. ठीक है. So here the deletions are relatively frequent. Now here this causes to include integration on the excision of the transposons, then there may be errors in the functioning of the enzymes such as DNA polymerases or the recombination enzymes or the DNA repair enzymes. So it is not very cost effective because जितने आपको heterogeneous population मिलती है और इतने सारे mutants मिल जाते हैं उनमें से आपको industrial strain को निकालना पड़ेगा, isolate करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. So that is costly process. Then जो mutation frequency मिलती है हमको that is in proportion to the mutant population that can be improved by increasing by using mutagenic agents. So आपके पास अगर mutagenic agents के through आप mutation induce कर रहे हैं तो naturally आपका जो mutation का frequency है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा mutants आपको मिलेंगे तो जो selection का procedure पे आप desirable mutants isolate करना चाहेंगे वो ज़्यादा मिल जाएंगे फिर आपको. ठीक है. So that will give you the improved secondary metabolite producers even for the isolation of the auxotrophic mutants. Then जो induced mutations की हम बात करते हैं spontaneous नहीं है जहाँ पर induced mutagenesis है वहाँ पर आपका by radiation आप जो है mutations induce कर सकते हैं that by use of the short wavelength ultraviolet rays. Now here the effective wavelength that can be used is 200 to 300 nanometers. और जो important products हमें मिलते हैं that are formed due to these radiations, they are the dimers between adjacent pyrimidines like thymidine, thymidine dimer, thymidine cytosine dimer or cytosine cytosine dimer or between the pyrimidines of the complementary strands. This results in crosslinks. So mainly जो transitions आपके induce होते हैं वो होते हैं GC2-AT transversions होते हैं या फिर frame shift mutations होते हैं या deletions होते हैं. Now ये जो process है ये error free हो कि मतलब जहाँ पर आप induce करना चाह रहे हैं mutation वहीं पर ये induce mutation हो वहाँ पे कोई error ना हो. So for that purpose जितने भी आपके manipulations हैं they are done under long wavelength visible light or under the use of caffeine or similar inhibitors of the repair. तो जहाँ पर इस तरह के inhibitors आप use कर रहे हैं जहाँ पर repair mechanism work नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर आपके ये mutations ज़्यादा successfully introduce हो जाएंगे. So जो आपका main repair system है the SOS repair system जो कि इन mutations को control करता है वो primarily responsible रहेगा for the introduction of mutations. Now the role of the ankylating agents is they are very potent mutagens for every particular practical purpose. आपको laboratory में अगर use करना है और बहुत safely use करना है तो काफ़ी पोटेंट म्यूटाजेंस होते हैं बियॉन्ड द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ कोर्स रेडिएशंस के साथ में भी अगर रेडिएशंस के बाद आपका कोई सेकेंड ऑप्शन है तो दैट इज़ एल्काइलेटिंग एजेंट्स. सो जो कंपाउंड्स ज़्यादातर यूज होते हैं दे आर इथाइल मीथेन सल्फोनेट्स
और मिथाइल मीथेन सल्फोनेट और डाईथाइल सल्फेट और डाई इपॉक्सी ब्यूटेन और दी एन मिथाइल एन डैश नाइट्रो एन नाइट्रोसंगवानडीन एंड नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपका मोस्ट इफेक्टिव केमिकल म्यूटाजेन है, बट इट इज़ नॉट वेरी मच प्रोमोटेड और यूज्ड इन द म्यूटेशन प्रोग्राम बिकॉज इट क्रिएट्स सम काइंड्स ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी. सो या आपका जो मस्टर्ड गैस वगैरह है, इस तरह के एजेंट्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइलेटेड बेसिस इन द डीएनए अलोंग विद द फॉस्फोट्राइस्टर्स. सो दे आर प्यूरीन फ्री साइट्स एंड सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स अकर एंड द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट इज योर 7 एल्काइल गुआनिन, बट इट डज नॉट रिजल्ट इन म्यूटेशन. सो फॉर दिस गिव्स यू अ प्री म्यूटेशनल लेजेंस एंड उसके बाद से जो प्री म्यूटेशनल लेजेंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसकी वजह से पेयरिंग एरर्स आना शुरू हो जाती हैं एंड देन जो आपके ट्रांजिशंस हैं एटी टू जीसी ट्रांजिशंस वो अकर होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दैट गिव्स यू एन ऑप्शन फॉर द डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस. So the main strategy for alkylating agents is that transitions, transversions, dilations or deletions or the frame shift mutations. Then there is the second process results in the mutations is the induction of error prone SOS repair where the high doses of mutagen are induced. सो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन आपने अल्काइलेटिंग एजेंट का या म्यूटाजन का दे दिया है तो वहाँ पर जो आपका SOS रिपेयर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो फिर आपका एरर प्रोन रिपेयर नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ एरर्स रह जाती हैं और यही एरर्स जो है वो फिर म्यूटेशन की तरह रह जाती हैं. देन यू हैव द नाइट्रोग्लिसरीन ऑप्शन दैट इज़ it can be used where you want a large proportions of the mutants. So it gives you a low killing rate and jo aapke mutants hain wo zyada survive kar jate hain and the survival is very good in the form of oxotrophs jo jaisa ki streptomyces cilicolor mein reported hai ya approximately 50% survival E. coli mein bhi reh jata hai. So the mutations are mostly here the GC80 transitions aur kuch proportions mein aapko small extent tak deletions ya frame shift mutations bhi mil jate hain after the deletion of the GC pairs. बट वेन यू टेक देम इन टू द इन वीवो कंडीशन नाइट्रोग्लिसरीन अगर आप ले जा रहे हैं तो ईजिली डिकम्पोज हो जाता है इन वीवो में और फिर वहाँ पर ये नाइट्रस एसिड बनाता है. सो इट इज़ नॉट इफेक्टिव एज अ म्यूटाजेन इन पी एच 6 to 9. सो यहाँ पर जो है आप फिर डाई एजो म्यूथेन का and when we are using it under the alkaline conditions to wahan par jo hai diazomethane banta hai. So this diazomethane is strongly methylating agent. तो हम जब नाइट्रोग्लिसरीन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपके एल्कलाइन कंडीशंस होने चाहिए, देन ओनली द म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय इट. देन जो एल्काइलेशन जो पॉइंट ऑफ म्यूटेशंस होते हैं दे आर मोस्टली इन द नॉन रेप्लिकेटिंग पार्ट ऑफ द डीएनए एंड द मेन पॉइंट ऑफ एक्शन इज एट द रेप्लिकेशन पॉइंट ऑफ द डीएनए. Now here they introduce changes at the DNA polymerase read enzymes. So during the replication of the DNA and this mutations are generally introduced in the gene clusters. Ek gene per aap target nahi kar sakte, gene clusters mein ye mutations hote hain. Then you can use the insert sequences.
Now insert sequences like DNA sequences of variable length like 800 to 1400 base pairs आप ले सकते हैं and these can be incorporated at different sites in the genome and then release again. So जहाँ पर भी ये integrate होंगे वहाँ पर जो भी gene present होगा उस gene का function ये ख़त्म कर देंगे, destroy कर देंगे. So there are various kinds of inserts. If you have an insert 2 like sequence IS2 है अगर तो उसमें एक प्रोमोटर रहता है. जब आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे इन अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन देन इट रिजल्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स लोकेटेड डाउनस्ट्रीम. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब फिर वो आपका म्यूटेशन का लॉस नहीं होगा. यूनिवर्सली जितने भी म्यूटेंट्स फॉर्म होंगे उन सब में उसका एक्सप्रेशन मिलेगा. और चाहे आप कोई इंड्यूसर दें ना दें, कोई प्रोमोटर आप उसमें ऐड करें ना करें, वो लेकिन तब भी जो है आपका जीन एक्सप्रेस होएगा. ठीक है. सो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में, सेल्स की ग्रोथ के स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में एसेंशियल जीन हो जाएगा, एसेंशियल प्रोटीन फॉर्मेशन वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. तो एसेंशियली एसेंशियल काइंड ऑफ म्यूटेशन हो जाएगा जो कि वहाँ पर एक्सप्रेस होना ही चाहिए, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन द फेटेलिटी ऑफ द म्यूटेंट. सो इन पर्टिकुलर जो आपके इंसर्ट सीक्वेंस 1 होता है वो डिलीशंस कॉज करता है और जो इंसर्ट सीक्वेंस 2 होता है वो डुप्लीकेशंस कॉज करता है. देन यू कैन यूज द ट्रांसपोजोन्स. नाउ दीज आर जो है आपके ज़्यादातर जो जेनेटिक एलिमेंट्स लिए जाते हैं इसमें इंसर्ट सीक्वेंसेस के दोनों तरफ आपके इन्वर्स ओरिएंटेशन में लगाए जाते हैं और ज़्यादातर इनमें जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं. सो दिस इज़ अवेलेबल फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ पर्पसेस इन जीन टेक्नोलॉजी. नाउ the example is TN5 that contains an amino glycoside antibiotic resistance gene and this can be expressed in a large variety of microbes. चाहे आप prokaryotic ले लीजिए या eukaryotic ले लीजिए and they can be inserted into the plasmids and or in the chromosomes also. सो अगर प्लाज्मिड में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एग्जांपल से आपके TN1 या TN3 है. अगर आपके पास ऐसे भी कुछ है कि जो आप प्लाज्मिड में इंसर्ट करना चाहते हो या क्रोमोसोम में लेना चाहते हो तो उसका एग्जांपल है TN5. नाउ दिस गिव्स यू एडवांटेजेस ओवर द अदर टेक्निक्स की आपका जो म्यूटेंट फिनोटाइप मिलता है उसका रिवर्जन रेट बहुत कम होता है, वेरी लो रिवर्जन रेट, कि वो वापस जो है अपने जिस स्पीशीज से वो डेवलप किया गया है म्यूटेंट वो अपने वापस उस फॉर्म में पहुंच जाए. ठीक है. एक बार म्यूटेट कर गया तो फिर म्यूटेंट फॉर्म ही आगे प्रोपगेट होएगा. सो रिवर्जन का प्रोसेस जो है वहाँ पे बहुत कम रहता है. देन रिलेटिवली ईजी टू आइसोलेट इंसर्जन म्यूटेशंस ऑल्सो. देन द साइट वेयर द ट्रांसपोजोन हैज़ बीन इंटीग्रेटेड that can be easily identified. So separation अगर आप isolation करना चाह रहे हो तो वो process बहुत easy हो जाता है. Now the factors that will affect the appearance of the mutants, they will be the base sequences of the gene to be mutated, that is different जो mutagens हमने लिए हैं वो हॉटस्पॉट्स डेवलप कर देंगे कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट्स डेवलप हो जाएंगी जहाँ जीनोम के अंदर जहाँ पर कि आपके म्यूटेशंस बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली हो जाएंगे. ठीक है. देन देयर जो रिपेयर सिस्टम है सेल का, जहाँ पर जिन सेल्स के अंदर जिन स्पीशीज़ के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म जो है बहुत डिफेक्टिव होता है वहाँ पर आपके स्ट्रेन्स जो हैं वो किल हो सकते हैं. सो वहाँ पर स्पेसिफिक म्यूटाजीन्स जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे एंड दिस कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द अपेयरेंस ऑफ म्यूटेंट्स. देन द सप्रेस द म्यूटेशंस. नाउ वेयर द जीन एक्टिविटी हैज़ बीन लॉस्ट ड्यू टू म्यूटेशन दैट कैन बी पार्शली रेस्टोर्ड थ्रू अ सेकेंड म्यूटेशन. सो दैट कैन बी आइदर अ
intragenic suppressor mutation can be done or it can be a extragenic suppressor mutation. Then जो treatment conditions हम दे रहे हैं during the time of introducing the mutation, like आपने किस pH पे दिया है, कौन से buffer का composition लिया हुआ है, या कितना mutagen का dose दिया है, concentration क्या है, exposure time कितना है, temperature क्या था, microbial species जो है वो किस growth phase में थी, log में थी या lag phase में थी या stationary phase में थी, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमिन करेंगे कि आपके कितने म्यूटेंट्स अपीयर होंगे. नाउ यू कैन ऑप्टिमाइज द म्यूटेशन प्रोसेस बाय डिटरमिनिंग द डोज रिस्पांस कर्व्स. आप डोज रिस्पांस कर्व्स बनाइए, कितने डोज पर जो है किलिंग इंट्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, कितना आपको रिस्पांस मिल रहा है, वो कर्व्स आप बनाइए. देन हाई डेथ रेट जो है वो अपने आप में ये गारंटी नहीं है कि आपका जो म्यूटेशन रिक्वायर्ड था, जो डिज़ायरेबल म्यूटेशन था, वही आपको मिला हो, ठीक है. सो यू नीड अदर मेथड्स ऑल्सो जिससे कि आप म्यूटेजेनेसिस को ऑप्टिमाइज कर सकें. देन आफ्टर द म्यूटेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस देर शुड बी ईजली डिटेक्टेबल चेंजेस सच एज म्यूटेशंस फॉर रेजिस्टेंस और रिवर्जन ऑफ ऑक्सोट्रॉफी. दे आर फ्रीक्वेंटली यूज टू ऑप्टिमाइज द कंडीशंस फॉर mutagenesis. Thank you.